विगत दिनों कपासन पुलिस द्वारा चोरी लूट व डकैती करने वाले 5 संगीन अपराधियों को कपासन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव द्वारा प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपराधियों को कालबेलिया गैंग होना बताया, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा के विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हीरालाल जोगी ने कड़ा विरोध जताते हुए पुलिस अधीक्षक से माफी की मांग की है। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ से रतन हंसराज राणा। अखबार के माध्यम से पता चला कि चित्तौड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित करके कल 16 सितंबर को कुछ चोर लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये अच्छी बात है, पुलिस का कार्य करना चाहिए, परंतु दुख इस बात का है कि चित्तौड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें यह लिखा गया कि हमारी पुलिस ने अंतर्राज्यीय कालबेलिया गुरुओं को गिरफ्तार किया है। ये शब्द बताकर समस्त राजस्थान के कालबेलिया समाज को बदनाम करने का कार्य किया है, जो गलत है। कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, उसके साथ पूरे समाज को लगाकर जो बदनाम करने का कार्य किया है वो बहुत ही गलत किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से चित्तौड़ पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूँ कि आप अपना वापस एक प्रेस नोट जारी करके और राजस्थान के कालबेलिया समाज से माफी मांगे, वरना आप पूरे राजस्थान में बड़ा